नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। अयोध्या मामले में फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को जमीनें आवंटित कर दी है। वहीं अगर हम बात करें हिंदू पक्षकारों की तरफ से, तो हिंदू पक्षकारों की तरफ से 2.77 एकड़ की जमीन रामलला विराजमान की जो विवादित जमीन थी वो हिंदू पक्षकारों की तरफ दी गई है। वहीं 5 एकड़ जमीन जो है वो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ दी गई है। अब केंद्र सरकार इसमें 3 महीने में एक योजना का गठन करेगी, एक आयोग का गठन करेगी, जिसके बाद से यह जमीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास रहेगी। उसके बाद से मुस्लिम पक्षकारों के को लेकर यह बात कही गई है कि यह जमीन जो है अयोध्या में उन्हें आपसी सहमति से कहीं भी दी जा सकती है। तो मुस्लिम पक्षकारों के लिए 5 एकड़ जमीन जो है कोर्ट ने मुहैया कराई है। वहीं हिंदू पक्षकारों की बात करेंगे तो 2.7 एकड़ की जमीन जो है वो रामलला विराजमान जो विवादित जगह थी जहां पे दिया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि का मामला और ये जो रास्ता जो पिछले 300 सालों से जिसके पीछे लड़ाई चल रही थी, कोर्ट में ये मामला चल रहा था, उसका रास्ता साफ हो गया है। अब राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनेगा। वहीं हम बात कर ले सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट से कल फैसले आने की बाद जब बात कही गई थी तो उसके बाद से पूरे देश को हाई अलर्ट पे रखा गया था। सारे देश को कहा गया था कि आप इस फैसले को लेकर चौकन्ने रहें। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 3 जिलों के दौरे पर थे, जिसमें मधेपुरा, किशनगंज और पूर्णिया था। उन दौरों में उन्हें प्रदेश के विकास की गतिविधियों को लेकर जानना था, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उस दौरों को छोड़कर प्रदेश के राजधानी यानी कि पटना में आ गए, जहां उन्होंने यहां के सुरक्षा व्यवस्था को जाना, देखा कि क्या स्थिति है अभी प्रदेश में। अब फैसले आ गए हैं। फैसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि आप शांति और सम्मान के साथ इस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे, इसके साथ सम्मान के साथ रहेंगे, आपसी सौहार्द बनाएंगे, किसी तरह की कोई अड़चन ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे आप। तो इस तरह से अभी तक किसी तरह की कोई घटना की बात अभी जिक्र नहीं किया जा रहा है, ना तो प्रशासन की तरफ से की गई है, ना ही मीडिया में कहीं ये खबरें अभी तक आई है। तो अब तक हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है राम जन्मभूमि को लेकर, अयोध्या मामले को लेकर, वो अब तक एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है। आगे के खबरों के लिए बिहारी न्यूज के साथ बने रहें। थैंक यू।